हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। आज का जो वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए है या उन कैंडिडेट के लिए है जो सेकंड पैनल, थर्ड पैनल, फोर्थ डीवी का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि उनके मार्क्स बहुत ही क्लोज हैं। किसी का आधा नंबर कट ऑफ से कम था, किसी का एक कम था, है ना, किसी का दो कम था, किसी का तीन कम था। तो ऐसे बहुत सारे उम्मीदवार हैं जिन्हें लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और उम्मीद उनको करनी भी चाहिए, क्योंकि पिछले बार की तरह अभी भी इस बार भी सभी जोन्स में सेकंड डीवी, थर्ड डीवी, इवन फोर्थ डीवी और उसके आगे तक के डीवी आएंगे। क्यों? क्योंकि मेरा जब 2018 के ग्रुप डी में सिलेक्शन हुआ था तो मेरा फोर्थ डीवी में मुझे बुलाया गया था, लेकिन मैंने रेलवे से या किसी भी तरीके की उम्मीद नहीं रखी थी। मेरा फिजिकल हो गया था, सब कुछ हो गया था, मेरिट में मुझे नहीं लिया गया था, तो मैं अपना काम बाकायदा करता रहा और मैंने उम्मीद, मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि अब रेलवे बुलाएगा, लेकिन 2-2.5 साल के बाद जब मुझे ज़रूरत भी थी और 2-2.5 साल के बाद मुझे मेल आया, 2-2.5 साल क्या, 3 साल 4 महीने, क्योंकि बीच में कोरोना था, 3 साल 4 महीने के बाद मुझे मेल आया और 3 साल 8 महीने के बाद मेरी ज्वाइनिंग हुई। तो टाइम ड्यूरेशन आप देख रहे होंगे कि 3-3 साल तक लगते हैं। अब चूँकि बीच में कोरोना था तो 1-1.5 साल का समय हटा दो तो 1-1.5 साल, मैं 2 साल तक तो फोर्थ डीवी, फिफ्थ डीवी आने तक में लग जाता है। तो आप देखिए, जिसके नंबर बहुत क्लोज हैं उसका तो होना ही होना है। जैसे किसी का आधा नंबर, किसी का एक नंबर, किसी का 1.5 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इवन 4 नंबर तक कट ऑफ से कम है, उनके चांस हैं, है ना, UR, EWS, SC, ST, OBC सभी के चांस हैं, ठीक है। लेकिन बात यह आती है कि आप कब तक इंतज़ार करेंगे, तो वो टाइम मत पूछिए मुझसे, मैं टाइम नहीं बता सकता, क्योंकि रेलवे के जो काम होते हैं वो लेट लतीफ़ होते हैं, ठीक है। कभी भी टाइम पे चीज़ें नहीं होती। देखो, NTPC ग्रुप डी का एग्ज़ाम 3-3 साल बाद हुआ, बीच में कोरोना था वो बात अलग थी, लेकिन एग्ज़ाम डिले हुआ और उसके बाद ज्वाइनिंग प्रोसेस, है ना, डीवी प्रोसेस, उसके बाद रनिंग की प्रक्रिया, सभी में बहुत टाइम लगा, ठीक है। तो अभी ये मान लो आप कि होगा, जिनके नंबर क्लोज हैं उनको बिल्कुल उम्मीद रखना चाहिए, उम्मीद से ही दुनिया कायम है, लेकिन कब तक होगा वो मैं आपको नहीं बता सकता, ठीक। तो इसके साथ आप अपनी तैयारी जारी रखिए, जो भी आप कर रहे हैं, चाहे आप प्राइवेट काम कर रहे हैं, खुद का बिजनेस संभाल रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसको कंटिन्यू रखिए। अगर इससे बेहतर आपका किसी बड़ी पोस्ट पर सिलेक्शन हो जाता है तो आप ले लीजिए। और जैसे WCR वाले जो पैनल का इंतज़ार कर रहे हैं, उनका मई और जून के एंड तक पैनल आ जाना चाहिए कि उनको कहाँ पोस्टिंग मिली है और कब ज्वाइनिंग होगी उसके रिगार्डिंग। और जैसे सिकंदराबाद हो गया, मुंबई जोन हो गया, कई जोन के बच्चे सेकेंड डीवी, थर्ड डीवी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनका भी आएगा। अगर आप नंबर आपके क्लोज हैं कट ऑफ के, तो आप इंतज़ार करिए, आपके होने के पूरे चांस हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और बिलासपुर का भी सेकंड डीवी आया है, तो बिलासपुर में 1600 प्लस वैकेंसी थी, 1400 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, उसके बाद सेकंड डीवी में 125 बच्चे और लिए हैं। तो अभी थर्ड भी आएगा और हो सकता है फोर्थ भी आए, तो ऐसे करके सभी जोन का धीरे धीरे आएगा, ठीक है। और जहाँ पर पैनल नहीं आया है तो थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का है, हो जाएगा। तब तक आप पढ़ते रहिए और अपना जो भी लाइफ है एंजॉय करते रहिए, रुकिए मत। तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट में पूछिए, मैं डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। वीडियो बढ़िया लगा तो दूसरे लोगों तक शेयर करिए। चैनल पर नए व्यूअर्स हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय।